रामपुर परिवहन विभाग के कर्मियों ने विभाग को लगाया 5 लाख का चूना। जांच हुई शुरू, गुपचुप तरीके से कटवा दिए सरकारी पेड़। रामपुर में परिवहन विभाग के कर्मियों ने विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा दिया है। कर्मियों ने बिना अनुमति से विभाग की जमीन से लाखों रुपए के पेड़ कटवा दिए। मामला संज्ञान में आने पर इसकी जांच शुरू हुई, जिसके ये चौंकाने वाला सच सामने आया। अब विभाग के अधिकारी फर्जी बाड़े में लिप्त कर्मियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। दरअसल मामला रामपुर रोडवेज से जुड़ा हुआ है। यहां सपा सरकार में रोडवेज की बसों की वर्कशॉप के लिए जमीन खरीदी गई थी। उस जमीन पर लगे पेड़ों को विभाग के कुछ कर्मियों ने गुपचुप तरीके से कटवा कर बेच दिया। इसके लिए ना तो परिवहन विभाग की अनुमति ली गई और ना ही वन विभाग की। इस पूरे मामले की जांच कर रहे एआरएम परिवहन विभाग ने बताया कि करीब 5 लाख कीमत के पेड़ काट लिए गए हैं। इसके लिए वन विभाग और परिवहन विभाग दोनों की अनुमति नहीं ली गई थी। जांच चल रही है और कार्रवाई भी होगी। ये जमीन वर्कशॉप के लिए सपा शासन में खरीदी गई थी। पहले आपका नाम और पद जानना चाहेंगे। मैं सुनील कुमार नागर, एआरएम यूपी रोडवेज रामपुर। अच्छा सर, ये जो मामला चल रहा है पेड़ों का, क्या है पूरा मामला जानना चाहेंगे सर? हमारे पूर्व गवर्नमेंट ने यहाँ पर जमीन खरीदी थी विभाग के लिए, वर्कशॉप के लिए। जी, तो वर्कशॉप में बड़े बड़े पेड़ थे जो काट लिए गए बिना वन विभाग की अनुमति के। जी, और इसमें अनुमति जो विभाग के लोग हैं उनकी भी नहीं ली गई। जी, तो यहाँ के लोगों ने डीएम साहब को शिकायत की। डीएम साहब ने मुझे जांच के लिए भेजा कि देखिए यह प्रकरण सही है या गलत है। वहाँ पर जाकर के जब मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो पता पाया गया कि जो इन्होंने शिकायत की है, कंप्लेन की है, वो सही है। काफ़ी मात्रा में पेड़ काटे गए। फ्री पेड़ कितने काटे हैं पेड़? यहाँ के जो लोकल लोग हैं हमारे विभाग में जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा पेड़ काटे गए। क्या उनके कुछ लोगों के नाम बता सकते हैं? नाम तो अभी बताया नहीं जा सकता जब तक पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। मुझे नहीं लगता कि सही होगा नाम उजागर करना। आपको क्या लगता है लगभग कितनी कीमत के होंगे जो पेड़ काटे गए? अराउंड 4-5 लाख से भी होंगे। 4-5 लाख। तो फिलहाल क्या कार्रवाई चल रही है आपके? कार्रवाई अभी उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कल जिस दिन जांच रिपोर्ट आ जाएगी डीएम साहब को भेज दिया जाएगा। उसके बाद उच्च प्रबंध तंत्र से कह दिया जाएगा कि उनके खिलाफ जो भी एक्शन लेना चाहे। बता सकते हैं लगभग कितने लोगों के खिलाफ? अभी इसमें तो पता चलेगा कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसा सच नहीं कहा जा सकता कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा सकता।